सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुधीर विद नोटिफिकेशन बेल ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव इनके बारे में। इन दोनों डिस्क को आज हम कंपेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD में देखिए क्या होता है, एक रिवॉल्विंग हेड लगी हुई होती है, यानी कि एक कैसेट लगी हुई होती है जो चारों तरफ घूमती है। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट आपको गिना देता हूँ। ये आपको ईजी मिल जाती है मार्केट में, कहीं से भी नॉर्मल दुकानें जो होती हैं वो वहाँ से आपको ये ईजी मिल जाएगी और बहुत कम कीमत में मिल जाती है। और ज़्यादा स्टोरेज आप कम कीमत में इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव में ले सकते हैं, कम पैसों में ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, बहुत 1 TB तो 2 TB 4 TB और थोड़ी बहुत ज़्यादा कम पैसों में मिल जाती है आपको। और इसके नेगेटिव पॉइंट हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाती है, मतलब 5-6 साल में लगभग ख़राब हो जाती है और इसकी स्पीड कम होती है इन कंपेरिजन टू SSD। उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्पीड उसके मुकाबले बहुत कम होती है। और इसकी पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है, HDD की पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और अगर बाई चांस ये आपके हाथ से गिर भी गई तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका डेटा करप्ट हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए। अब हम बात करते हैं SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चलता है, सॉलिड यानी कि इसमें सब कुछ सॉलिड रहता है, कोई भी इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं रहता है। जैसे उसमें कैसेट लगी हुई थी, रिवॉल्विंग हेड लगी हुई थी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सब कुछ सॉलिड रहता है। तो इससे क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें कैसेट घूम रही है तो कैसेट घूमने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें सब कुछ सॉलिड है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है उससे। इसमें सब कुछ सॉलिड है इसलिए, और ये इम्पैक्ट रेसिडेंट है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसमें कोई टूटने का चांस नहीं होता है। इसमें कैसेट वगैरह है तो टूटने का ज़्यादा चांस होता है कि टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो इसमें टूटने वगैरह, इसका खराब होने का कोई ज़्यादा चांस नहीं होता है। अगर बाई चांस ये आपके हाथ से गिर भी जाती है, ठीक है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि इसका डेटा करप्ट हो और ये खराब हो, बहुत कम चांस होते हैं। और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, उसकी 5-6 साल लाइफ थी, इसकी बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले लाइफ है, लाइफ टाइम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये पावर कंजप्शन भी इसकी बहुत कम है, उसके मुकाबले इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम है। और अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। इसका नेगेटिव पॉइंट बस एक ही है कि ये बहुत महंगी होती है। अगर वो 1-1.5 हज़ार की आ रही है तो ये 5,000-6,000 की आएगी, बहुत ज़्यादा महंगी है। उससे अगर मान लीजिए वो 2,000 की है तो ये 6,000 की, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बस यही इसका नेगेटिव पॉइंट है, और इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब जब आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो थोड़ा और देख लीजिए। मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है सॉलिड डिस्क और हार्ड डिस्क में। देखिए, हार्ड डिस्क अगर आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर है, आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो ओपन होगा, और अगर आपके कंप्यूटर में सॉलिड डिस्क लगी है तो बहुत फास्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा स्लो होगा और उससे बहुत फास्ट हो जाएगा। सॉलिड डिस्क अगर आपके कंप्यूटर में लगी है तो बहुत फास्ट आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। आप ये ना सोचें कि ज़्यादा वो तेज चल रहा है। देखिए, कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो बराबर चलेगा, और उसमें लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, 19-20 का आप कह सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो भी ओपन करने में कैसेट घूमती है जब वो बंद हो जाती है, ठीक है, बंद होने से उसे स्टार्टिंग से घूमना पड़ता है इस स्पीड से, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि और सॉलिड डिस्क में सब कुछ सॉलिड है तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, बस आपने एंटर दबाया है और वो ओपन हो जाता है, बहुत फास्ट ओपन हो जाता है, इतना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। और आपके जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो ज़्यादा डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है और आपके कंप्यूटर में रैम कौन सी है, इससे थोड़ा बहुत अंतर आता है सॉलिड डिस्क और हार्ड डिस्क, इससे ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, रैम से फर्क पड़ता है, रैम से और प्रोसेसर से, हार्ड डिस्क और सॉलिड डिस्क से इतना फर्क नहीं पड़ता। इनका रोल बस यही होता है कंप्यूटर को फास्ट ओपन करना, और हार्ड डिस्क से स्लो ओपन होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कंप्यूटर के मामले में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई अब भी डाउट है हार्ड डिस्क और सॉलिड डिस्क यानी HDD और SSD से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और आप मेरी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।